तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 1.5 का पार्ट टू, यानी जो दो क्वेश्चन बचे हुए थे उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। लिखा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर। क्या मतलब कि हम जानते हैं, रिकॉल हम जानते हैं कि पाई को कैसे डिफाइन किया जाता है। पाई को डिफाइन करा जाता है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो से। नहीं जानते तो आप समझ लीजिए। अच्छा बताइए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, वेरी गुड। एंड डायमीटर 2 आर, 2 2 आर कैंसिल, बचा क्या? पाई, है ना। दैट इज पाई को हम सी बाई डी, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ सर्कल, इन दोनों के रेशियो से डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये तो इसका अपोज है। पाई जो इस फॉर्म में है सी बाई डी, पाई जो कि इस फॉर्म में है सी बाई डी, ये तो इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन है ना, क्या कि पाई इज अ इरेशनल नंबर। वी नो दैट पाई इज अ इरेशनल नंबर, बट ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो कैसे इरेशनल हो गया? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। सो ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो गया, अपोज कैसे हो गया? हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को किस तरीके से रिजॉल्व, यानी इसका हल कैसे निकालेंगे, क्या बताएंगे जिससे कन्विंस हो जाएं आप, मैं, आपके टीचर्स कन्विंस हो जाए कि नहीं, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, प्रॉब्लम यहां कुछ है। तो देखिए, बहुत ही इजी सा इसका सोल्यूशन है। देखिएगा, वी नो दैट पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। एंड सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट इज रेशनल नंबर, है कि नहीं? रेशनल नंबर, बट पाई इज अ इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर, है कि नहीं? So, अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि दिस इज, यानी ये जो पार्ट है वो इरेशनल नंबर है, तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, इससे पहली क्लास में मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बताए थे। वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से थे कि अगर हम रेशनल में इरेशनल नंबर का डिवाइड कर दे तो रिजल्ट क्या मिलता था? इरेशनल। इन शॉर्ट, रेशनल अपॉन इरेशनल गिव्स इरेशनल, कुछ याद है? या फिर मैंने बताया था, अगर हम इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल कर दे तो भी मुझे इरेशनल मिलता था, याद है? या फिर थर्ड चीज, अगर हम दोनों को इरेशनल और इरेशनल कर दे तो भी मुझे इरेशनल मिलता था, है कि नहीं? कि अगर हम कोई भी इस तरह का फैक्टर ले लें तो हमारा आंसर क्या आता था? इरेशनल नंबर आता था। इसका साफ साफ मतलब यही हुआ ना कि अगर मुझे रिजल्ट इरेशनल मिल रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों में से कोई एक इरेशनल हो या फिर दोनों, है कि नहीं? दैट मींस या तो ये इरेशनल होगा तभी रिजल्ट इरेशनल आएगा, या फिर डी इरेशनल होगा तभी रिजल्ट इरेशनल आएगा, और या फिर दोनों के दोनों इरेशनल हो। क्लियर है ये बात? तो बस सिंपल सा एक चीज था, तो हम लास्ट में लिख देंगे, बट पाई इज ए इरेशनल नंबर, सो इट इज पॉसिबल व्हेन इधर सी और डी और बोथ सी एंड डी आर इरेशनल, है इरेशनल। समझ में आ गया? तभी तो पाई इरेशनल होगा क्योंकि इसका रिजल्ट इरेशनल आ रहा है। सो इस तरीके से आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व कर सकते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, बट मे बी शायद पी इरेशनल हो, मे बी क्यू इरेशनल हो, या फिर पी और क्यू दोनों इरेशनल हो, जबकि वो पी वाई क्यू के फॉर्म में, बट उसके बाद भी। क्लियर है? मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने पी वाई क्यू का नंबर ले लिया, मैंने ले लिया पी वाई क्यू के फॉर्म में, एक नंबर लिया अंडर रूट टू, एक ले लिया टू, लेकिन
क्या ये रेशनल है? बिल्कुल नहीं, ये तो इरेशनल है और आप जानते हैं, ठीक है ना। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ, ठीक है। इसे पॉज करके नोट कीजिए, फटाफट पॉज कीजिए और नोट कीजिए। आई होप नोट हो गया होगा। सो ओके, हाँ, इससे पहले की वीडियोस आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए, थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी उसके अवॉइड कीजिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो बस आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो सिर्फ पढ़िए, बाकी कहीं पे भी ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। हमें अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, ओके। पहले किस तरीके से हम इसे करेंगे, देन हम वापस आएंगे और फिर इसका सलूशन देखेंगे, ओके। सो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो चलो, मैंने फिगर यहाँ बना दिया, आप देख सकते हैं। लेकिन ये फिगर एक्चुअल बनेगा कैसे, उसकी कुछ स्टेप्स को देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमारी नोटबुक रहेगी, पेन रहेगा, ऐसे सबके पास होगा। तो नोटबुक पेन, पेन आप यूज करेंगे, पेन लेंगे, नहीं है तो खरीद के लाइए मार्केट से। पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं आप, पेपर में कोई भी लेंथ का, ठीक है, कोई भी लेंथ का नहीं, क्योंकि ये 9.3 है तो आप 9.3, ओके। जैसे यहां पे मैंने ए पी, यहां मैंने एक्स लिखा है, वो बाद में आपको पता चलेगा। मैंने ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी, ए सॉरी पी तक, नॉट बी, पी तक, ए टू पी। तो मैं पी ले लेता हूं यहां पे, ए पी, मैंने 9.3 लाइन ड्रॉ कर ली। तो फर्स्ट यू ड्रॉ 9.3 लाइन, कॉल ए पी या से ए पी, ओके। सो ए पी मैंने नाम दिया। देन आप क्या करेंगे, जस्ट वन यूनिट एक्स्ट्रा, यानी जो भी, सपोज आपने एक्स करा तो प्लस वन, यानी एक यूनिट एक्स्ट्रा। तो मैं 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया हूं वहां पर, ओके, ठीक है। सो वन यूनिट आप ड्रॉ करेंगे, वन यूनिट एक्स्ट्रा, क्लियर, ओके। देन इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा इजी है, इसको बी नेम दे दो, ठीक है। अब ये जो ए बी लाइन है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना बहुत इजी होता है ना। यहां से आप अपना कंपास लेते हैं, उसका सार पॉइंट इधर रखते हैं, पेंसिल को हाफ से ज्यादा या फिर फुल से थोड़ा सा कम, फुल से थोड़ा सा कम, ऊपर यानी अप साइड डाउन साइड, देन फिर इधर से भी अप साइड डाउन साइड, एंड फिर इसे आप क्या कर देते हैं, मीट करा देते हैं ना, इसको मीट करा दीजिए, मीट हो गया। ये जिस पॉइंट पे मीट करता उसको मैंने ओ लेट कर लिया, ठीक है। एंड देन इसको एज अ सेंटर, टेक ओ एज अ सेंटर, आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, सेमी सर्कल, ओके, इस तरीके से। तो आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक, बहुत बढ़िया, ओके। आफ्टर ड्रॉइंग अ सेमी सर्कल, देन आप परपेंडिकुलर एट द पॉइंट पी, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। इसके लिए आप डी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, डी, जिसमें डी स्केल भी बोल सकते हैं, इस तरीका होता है, उसमें आप 90 डिग्री एंगल लेके मार्क करके लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया 90। अब आप करेंगे क्या, इसको क्यू नेम दे दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको करना ये है कि इसे और इसे मीट करा देना है, ठीक, मैंने मीट करा दिया से ओ क्यू, ठीक। अब जितनी लेंथ ओ क्यू है, ठीक है, आप उसको यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ड्रॉ कर दीजिए, क्लियर है। आप या तो ओक्यू, ओक्यू रहने दीजिए, आप ओक्यू क्यों करेंगे, ओक्यू से कोई लेना देना नहीं है, आप पी क्यू करेंगे। ओक्यू मेरे को नहीं चाहिए ना, मेरे को पी क्यू एक्चुअल में चाहिए, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। पी, जो पी क्यू है ना आपका, लेंथ पी क्यू जितना भी होगा उसका प्रोजेक्शन, उसका प्रोजेक्शन, जैसे लाइक अंडर रूट 5 मैंने बताया था, अंडर रूट 2, इसका प्रोजेक्शन आपको नीचे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए। अब ये प्रोजेक्शन आप इस पे लेकर आइए, तो यहां कटेगा, ओके, कुछ इस तरीके से। अब ये जो लाइन है ना आपका पी से लेकर डी, पी से लेकर डी, ये आपका होगा अंडर रूट 9.3।
समझ में आया, एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले ड्रॉ 9.3 सेंटीमीटर लाइन, ठीक है, एपी मैंने ड्रॉ कर दिया। देन एक्सीड वन यूनिट, ठीक है, वन यूनिट एक्सीड कर दिया। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच कट द लाइन एट पॉइंट ओ एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल, बहुत बढ़िया। देन एट द पॉइंट पी ड्रॉ परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया, विच कट द सेमी सर्कल एट पॉइंट क्यू, बहुत बढ़िया। क्यू को ओ से मीट करा दीजिए, इसको भी नहीं भी कराएंगे, एक काम करिए इसको मत कराइए क्योंकि ये आपका बाद का वर्क है, ये मत कराइए, ओके। देन आप क्या करेंगे, पी क्यू, ये जो पी क्यू है ना इसका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन लीजिए। तो ये जो पी क्यू है और ये जो पी डी है वो दोनों सेम होगा, ठीक है, यानी पी क्यू इज जस्ट इक्वल टू द पी डी। आई होप क्लियर हो गया होगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी डी, ठीक है, ओके। तो चलो अब देखते हैं कि ये जो पी डी मुझे मिला है अंडर रूट 9.3, क्या ये अंडर रूट 9.3 होगा या नहीं, तो चलो देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट जैसे मैंने लिया है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया हूं, तो अगर ड्रॉ करना है तो कर दो, ठीक है, हटाता हूँ। स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थोड़ी सी, नहीं बनेगी तो भाई काम चला लेना, ठीक है, जैसे बनती नहीं है, ये हुआ और ये हुआ, ठीक है, इसको डॉट डॉट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा लाइन है ना, और ये भी मेरी डॉटेड लाइन होगी, ये ओरिजिनल लाइन नहीं है, ये मेरे को यूज करनी है, क्यों, क्योंकि मुझे अंडर 9.3 प्रूफ करना है, और यहाँ पे भी ये जो पी क्यू है और ये जो पी डी है वो सेम होगा, ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अब हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे, ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा, मुझे अंडर रूट 9.3 लेना है, मैंने यहाँ पे x सेंटीमीटर लिया प्रूफ करने के लिए, तो पहले आप लेट करिए, लेट x इज इक्वल टू 9.3, ठीक, आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको मीट करा है ना O से Q तक, तो इन ट्रायंगल OQP, इन ट्रायंगल OQP आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये 90 है, 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, दैट मींस ओ क्यू स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है आपका ओपी, ओपी स्क्वायर, ओके। अब बात करते हैं ओ क्यू कि OQ की एक्चुअल वैल्यू होगी क्या, तो अगर आप ध्यान से देखें तो OQ किसके इक्वल होगा, OB के, हम सब हॉरिजॉन्टल चीजें लेंगे क्योंकि उन्हीं की यूनिट्स हमें पता है, उन्हीं की डिस्टेंसेस और मेजरमेंट पता है, तो OQ इज जस्ट इक्वल टू OB, यहां राइट कर देंगे बिकॉज, यहां लिख दो बिकॉज OQ इज इक्वल टू OB, तो यहां पे इसके प्लेस पर आप OB लिख दीजिए, OB स्क्वायर, PQ के प्लेस पर PQ ही चाहिए एंड ओपी के प्लेस पर भी मुझे ओपी ही चाहिए। अब कुछ एडिशनल थिंग्स करेंगे हम, जैसे कुछ चीजों की वैल्यूज, सबसे पहले ओबी की वैल्यू निकालेंगे, अगर आप देखें ओबी तो ये टोटल डायमीटर है, ओबी क्या है, डायमीटर हाफ यानी रेडियस, अब बात करते हैं डायमीटर की लेंथ कितनी है, तो ध्यान से देखिए जरा, एक्स प्लस वन, डायमीटर टोटल कितना है एक्स प्लस वन, है ना, और उसका हाफ कितना हो जाएगा x प्लस वन बाई टू, है कि नहीं, क्योंकि मैंने हाफ किया है ना OB, OB रेडियस है, टोटल कितना है x प्लस वन, उसका हाफ करिए x प्लस वन बाई टू। अब बात करते हैं हम OP की, क्योंकि मुझे OP भी चाहिए, ठीक है, सो OP कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं, अच्छा OP के लिए मुझे डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, नहीं मिलेगी, हमें थोड़ा माई लगाना पड़ेगा, अगर आप ध्यान से देखें तो OP बनेगा OB, OB यहां से यहां तक, और OB में अगर आप PB माइनस कर दें, ये पॉइंट P है ना, अगर इस PB को माइनस कर दे तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा OP, सिंपल, ध्यान से देखो, ये है OB, अगर OB में मैं ये वाला पार्ट हटा दूं PB, तो मुझे क्या मिलेगा OP। अच्छा एक बात बताओ, ये जो PB है उसकी वैल्यू क्या है, 1, यानी कि अगर मैं x प्लस वन बाई टू में
ये टोटल एक्स प्लस वन बाई टू है ना, चलो मैं लिख देता हूं ओबी ओबी माइनस पीबी, ठीक है। ओबी कितना है एक्स प्लस वन बाई टू और पीबी कितना है वन, इसको सॉल्व करते हैं एक्स प्लस वन माइनस टू बाई टू विच गिव्स एक्स माइनस वन बाई टू। सो ओबी की वैल्यू क्या आ गई एक्स माइनस वन बाई टू। चलिए ओबी ओबी कितना है भाई एक्स प्लस वन बाई टू होल ऑफ स्क्वायर, पी क्यू फाइंड आउट करना है ओपी एक्स माइनस वन बाई टू होल ऑफ स्क्वायर। अब मैं इस वाले टर्म को इस साइड लेकर आऊंगा तो क्या मिलेगा एक्स प्लस वन बाई टू होल ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाई टू होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम इनको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है ना, तो फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी है ना इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। चलिए क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो ये दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन बाई टू एंड सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस वन माइनस, अभी साइन चेंज करेगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा और बाई टू, यहां से वन कैंसल और यहां से एक्स कैंसल, तो मुझे क्या मिला यहाँ पी क्यू ही रहेगा। चलो मैं इसको यहाँ प्रोसीड करता हूँ, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स टू एक्स बाई टू इंटू वन प्लस वन टू बाई टू, टू से टू टू से टू कैंसल। सो अब बताइए जरा पी क्यू स्क्वायर क्या आया एक्स आया, सो पी क्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट में एक्स है ना। अच्छा एक बात बताइए एक्स को क्या लेट करा था 9.3, तो अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा 9.3 सिंपल, तो यहां पे अब आगे क्या हो जाएगा अंडर रूट 9.3। सो आई होप क्लियर हो गया होगा ये फंड या फिर ये मेथड, ठीक है। अच्छा आपको समझ में आ गया होगा कि अंडर रूट 9.3 किसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू है ना, नहीं हाँ पी क्यू मुझे फाइंड आउट करना है, अंडर रूट 9.3 पी क्यू है और पी क्यू तो ये है लेकिन मुझे तो नंबर लाइन में चाहिए और नंबर लाइन क्या है पीडी, तो पीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी पीडी इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3 जो कि आप यहां राइट कर देंगे 9.3 ओके ठीक है। सो फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा।